डियर स्टूडेंट नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉस्फीन गैस की संरचना क्या होती है। तो फॉस्फीन गैस जो है एक सहसंयोजी यौगिक है। सहसंयोजी यौगिक का अर्थ होता है कि वे यौगिक जिनके परमाणुओं के मध्य एकलबंध, द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो उन्हें सहसंयोजी यौगिक कहा जाता है, या जिनमें सहसंयोजी बंध उपस्थित हों उनको हम सहसंयोजी यौगिक कह सकते हैं। तो इसकी संरचना जो होती है सेम अमोनिया की तरह होती है, NH3PH3। तो NH3 अमोनिया जो होता है उसमें नाइट्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के तीन परमाणु होते हैं, और जो फॉस्फीन है फॉस्फीन में भी एक परमाणु फास्फोरस का और तीन परमाणु हाइड्रोजन के होते हैं। तो इसकी संरचना अमोनिया के समान होती है, अमोनिया के समान अर्थात पिरेमिडी होती है। इसमें जो केंद्रीय परमाणु फास्फोरस है, फास्फोरस पर sp3 संकरण होता है, sp3 संकरण फास्फोरस पर उपस्थित होता है, और प्रत्येक हाइड्रोजन फास्फोरस और हाइड्रोजन इन तीनों के मध्य का कोण जो होता है वो 93 डिग्री होता है। फास्फोरस और हाइड्रोजन इन दोनों के मध्य की जो बीच की आबंध दूरी है वह 1.42 एंगस्ट्रॉम होती है। ये दूरी जो होगी हाइड्रोजन और फास्फोरस इन दोनों परमाणुओं के मध्य की बंध दूरी जो होगी वो 1.42 एंगस्ट्रॉम होगी। तो यह फॉस्फीन गैस की संरचना होती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।